सो गाइस, इस साल इंडिया पे काफ़ी सारा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो कि आप लोगों ने देखा। कुछ स्मार्टफोन चाइनीज ब्रांड का था, कुछ स्मार्टफोन नॉन चाइनीज ब्रांड का था, लेकिन इंडिया पे बहुत सारा भाई ऐसा है जिसको नॉन चाइनीज और चाइनीज ब्रांड नहीं चाहिए, उसको मेड इन इंडियन स्मार्टफोन चाहिए। तो माइक्रोमैक्स की तरफ से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन अभी लॉन्च होने जा रहा है, 2 या फिर 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि माइक्रोमैक्स 2-3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली अभी जो है लॉन्च करने जा रहा है और काफ़ी कुछ निकल के आ गया है माइक्रोमैक्स की तरफ से। इस बार माइक्रोमैक्स ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है अपना ब्रांड में, खास करके अगर बात करें प्रोसेसर का, तो इस बार जो है बेहतर क्वालिटी का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने इस बार जो है हाथ मिला है मीडियाटेक के साथ। तो मीडियाटेक जो है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर अभी लॉन्च कर रहा है, तो नया नया प्रोसेसर आपको माइक्रोमैक्स का मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, माइक्रोमैक्स का जो नया मोबाइल अभी लॉन्च होने जा रहा है उसका एक का नाम तो निकल के आ गया है, जो कि है माइक्रोमैक्स इन सीरीज। मतलब इन सीरीज अभी लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें पहला फ़ोन होगा इन वन ए, ऐसा एक नाम होगा। नाम बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड रखा है, लेकिन इस सीरीज में आपको बहुत सारा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको इस सीरीज में जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक हीलियो G35 से स्टार्ट होगा, और G85 मतलब G70, G80 या फिर G85 का भी प्रोसेसर देखने को मिल सकता है इस सीरीज में। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस बार जो है बैटरी और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में खास करके ध्यान दिया है माइक्रोमैक्स। इस बार आपको बहुत ही बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा, 5000 mAh का बैटरी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दिया है, और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। खास करके अगर चाइनीज़ ब्रांड को देखेंगे तो आपको Xiaomi का मोबाइल में बहुत ज़्यादा ऐड देखने को मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स का जो अभी नया सीरीज लॉन्च होने जा रहा है जो कि इन सीरीज है, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, मतलब किसी भी तरह का ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चाइनीज ब्रांड पे आपको बहुत सारा ऐड देखने को मिलता है, खास करके रेडमी, रियलमी और Xiaomi का जो भी मोबाइल है उसमें आपको ज़्यादातर ऐड देखने को मिलता है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा भी आपको HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 10,000 के अंदर जो जो स्मार्टफोन आएगा उसमें आपको HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले रहेगा। और कैमरा की बात करें तो किसमें ड्यूल रियर कैमरा है, किसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, लेकिन 13 MP का आपको प्राइमरी सेंसर मिलेगा, बाकी 2-3 सेंसर अलग से दिया जाएगा। सेल्फी में कुछ मोबाइल में आपको 8 MP का सेल्फी मिलेगा, कुछ मोबाइल में 13 MP का सेल्फी मिलेगा। और इसके अलावा भी माइक्रोमैक्स का इन सीरीज में आपको बहुत सारा वेरिएंट देखने को मिलेगा, 2GB, 32GB, 3GB, 32GB, 4GB वाला भी वेरिएंट देखने को मिलेगा। हर प्राइस रेंज में जो है अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत सारा स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो है बॉक्स पहले निकल के आ गया है। आपको ये जो बॉक्स देखने को मिल रहा है ये इन सीरीज का बॉक्स है, जो कि पहला फ़ोन लॉन्च होगा तब यही सही बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये बॉक्स अभी फ़िलहाल ऑफिशियली निकल के आया है, और माइक्रोमैक्स का ट्विटर अकाउंट में और इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत सारा अपडेट दिया गया है। और ये फ़ोन जो है अभी ग्रीकबिन साइट में भी लिस्टिंग किया गया है, जहाँ पर 4GB रैम का बात किया गया है और मीडियाटेक हेलियो G35 का चिपसेट की बात किया गया है। ये कन्फर्म है कि इस बार आपको काफ़ी बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलेगा आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो फाइनली मोबाइल तो लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन किस प्राइस में लॉन्च होगा, तो 7,000 से लेकर 15,000 के बीच में जो है आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग मोबाइल जो रहेगा वो 7,000 से स्टार्ट होगा, और लास्ट वाला जो मोबाइल रहेगा वो 15,000 के आसपास प्राइस रेंज में रहेगा। तो काफ़ी सारा स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कब इंडिया पे लॉन्च होगा, तो भाई इंडिया पे बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, मतलब नेक्स्ट मंथ का पहला वीक, मतलब फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, मतलब नवंबर का फर्स्ट वीक या फिर दिवाली के आसपास जो है ये सारे मोबाइल इंडिया पे देखने को मिल जाएगा, जो कि नाम रहेगा माइक्रोमैक्स इन ए सीरीज या फिर इन सीरीज कह सकते हैं जो भी हो। तो ये सारा स्मार्टफोन अभी लॉन्च हो रहा है जो कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। जो लोग मेड इन इंडियन स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लो, माइक्रोमैक्स की तरफ से धमाका स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। फाइनली लॉन्च जब हो जाएगा या फिर लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगा तो चैनल पर और एक वीडियो जरूर आ जाएगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बाजू में बेल का घंटा उसको जरूर दबाना है, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी करना है। और आपका कुछ भी मतलब क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।